मैं अनुराधा ध्यानी आप सभी का यूसर्क लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। यूसर्क ने दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस लेक्चर सीरीज का आरंभ किया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी हैं, जो आज हमें इन्वेसिव स्पीसीज के उपयोग एवं आज उत्तराखंड की ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में इसके योगदान के विषय में हमें बताएंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू अनुराधा। बच्चों, आज हम लोग जो हमारी बहुत सारी इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो बाहर से हमारे देश में आई हैं, उन स्पीसीज का किस तरह से हमारे फॉरेस्ट पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे उसका प्रभाव पड़ रहा है और कैसे ये बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश और देश के लिए है और किस तरह से इन इन्वेसिव स्पीसीज को हम लोग लाइवलीहुड या जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं, कैसे लोग इससे पैसे कमा सकते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो भी हमारी इंडिजिनस स्पीसीज हैं, जो मतलब हमारा नेटिव फ्लोरा है जिसमें कि हमारी तमाम वो बायोडायवर्सिटी या वो स्पीसीज आती हैं या वो एनिमल्स आते हैं या माइक्रोब्स आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से चले आए हैं। कुछ स्पीसीज या कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है, जो कि हम बाहर से लाते हैं। अब बाहर से जब कोई स्पीसीज दूसरी जगह पे आती है तो उसके दो कारण मुख्य हैं। एक तो उसको हम कहते हैं इंटेंशनल इम्पोर्ट, या इंटेंशनली, या जब हम अपने मतलब से किसी चीज़ को दूसरी जगह पे लाते हैं, दूसरी प्रजाति को, या इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, वो है इंटेंशनल। और दूसरा होता है नेचुरल। कई बार गलती से या किसी नेचर के किसी कारक के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और किसी वजह से एक स्पीसीज जब दूसरी जगह जाती है और वहाँ इस्टेब्लिश होती है या अपने को इस्टेब्लिश करती है, उसको हम जो है वो नेचुरल जो है शिफ्ट कहते हैं, या इन्वेसिव स्पीसीज का नेचुरल इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो जितने भी आज हमारे इन्वेसिव स्पीसीज हमारे देश में हैं, उनका जो इन्वेजन जो है, इन्वेजन का मतलब ये है कि जब हम दूसरे के घर में घुस के वहाँ जो है, आप इसको कहेंगे इन्वेजन की हिंदी होगी कि दूसरे की जगह पे हम घुस के उसको भगा दें और अपने आप वहाँ घुस जाएं, तो वो इन्वेजन है। जबरदस्ती जिसको हम कहेंगे कि जबरदस्ती कुछ स्पीसीज जो है दूसरे के इकोसिस्टम में या दूसरे के हैबिटेट में घुस जाती है। तो ये जो कई जो है इंटेंशनल हमने इंट्रोडक्शन कराए हैं, कई स्पीसीज हैं, जैसे कि आप देखें फॉरेस्टी में यूकेलिप्टस है, पॉपुलर है, एकेशियाज हैं, केशियाज हैं, जो हम बाहर से लाए हैं। लेकिन आज देखिए जितना भी एग्रो फॉरेस्टी में हमको टिम्बर मिल रहा है या फ्यूल वुड जो मिल रहा है, वो बाहर से लाई हुई स्पीसी से मिल रहा है। आज 70% के लगभग जो लकड़ी है वो यूकेलिप्टस और पॉपुलर से मिल रही है, बट वो एग्जॉटिक हैं स्पीसी, जो हमारे देश की नहीं है। लेकिन कई स्पीसीज ऐसी हैं जो कि हम लाए तो अपने पर्पस के लिए थे पर वो इन्वेसिव हो गई। जैसे हमारा जो है वो इन्वेजन है इसका लैंटर्न है फॉर एग्जांपल, तो वो अंग्रेज लोग लाए थे किसी पर्पस से, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, एक ऑर्नामेंटल प्लांट के बतौर वो लैंटर्न को लाए थे, पर बाद में वो इन्वेसिव स्पीसीज बन गई और आज पूरे देश में जो लैंटाना है वो इतना फैल गया है कि हम उसको हटाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपने सुना होगा राजाजी नेशनल पार्क में ही उसको हटाने के लिए कितना पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगाना पड़ा, ताकि जो हमारा एलिफेंट हैं, जो जानवर वहाँ एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए जो हमारा राजाजी नेशनल पार्क फेमस है, उसमें जो
हाथियों के लिए जो घास थी या जो और वनस्पति वो खाते थे, उसकी जगह लेंटाना जो है घुस गया था, और लेंटाना के घुसने की वजह से जो है वो और स्पीसीज को उसने बाहर कर दिया था, और उसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है, क्योंकि हिरन है, खरगोश है, एलिफेंट है, क्योंकि हार्बीवोर्स हैं, वो जो घास खाते हैं, जिन स्पीसीज पे वो डिपेंड रहते हैं, वो स्पीसीज लैंटाना ने हटा दी, तो वो इन्वेजन हो गया। अब इन ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे लैंटाना का मैंने बताया, ऊपर जो है एपिटोरियम है, एक काला बाजा हम उसको कहते हैं, वो आपके पूरा बांझ के फॉरेस्ट में पूरा घुसा हुआ है। पार्थिनियम आपके पूरे खेतों में और तमाम फील्ड, ओपन फील्ड में और सब जगह पार्थिनियम आ रहा है। इस तरह से कई जो वाटर हाइसिन है, पानी की झीलों में, हमारे झीलों को कंटेमिनेट कर देता है। इस तरह से बहुत सारी इन्वेजिव फिशेज होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई होती हैं, जो दूसरे हमारे जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको हटा के वो अपना उसमें घुस आती हैं। तो IUCN के हिसाब से उनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो नेचुरल हैबिटेट में हमारी जो स्पीसीज हैं, उनको जब दूसरी स्पीसीज आके उसको इंक्रोच कर देती हैं, और तो वो हमारी जो नेटिव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको थ्रेटन करती हैं, उसको हटा देती हैं, और उससे पूरा सिस्टम जो है इफेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि जो राजा जी नेशनल पार्क है, उसमें जो भी घासें, जो हमारे ग्रास लैंड थे, जिसमें कि हमारे हर्बीवोर्स जो हैं वो चुनते रहे, उसको लेंटाना ने कब्जा कर लिया, या उसमें लेंटाना घुस गया, या ऐसे कॉर्बेट में है और जगह है, तो उसको कैसे जो है हटाया जाए, उस पर एक बहुत बड़ी डिबेट इसमें हो रही है। तो ये जो इंट्रोडक्शंस हैं, ये मैंने आपको बताया, इंटेंशनल भी हो सकता है एंड बाय डिफॉल्ट, बाय फॉल्ट भी हो सकता है, गलती से भी आ सकती हैं। जैसे पार्थिनियम का केस है, पार्थिनियम के केस में हमारे देश में गेहूं जो है, वो जब मैक्सिकन व्हीट इंपोर्ट किया गया था, जब हमारे देश में 70 के दशक में अकाल पड़ा था, तो वो इम्पोर्ट किया गया था गेहूं, और उसमें ये हुआ कि गेहूं के साथ साथ जो पार्थिनियम का बारीक सीड था वो वहाँ से यहाँ आ गया, और जब हम लोगों ने गांव में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि क्वारंटीन, इतने बड़े कंसाइनमेंट का क्वारंटीन नहीं हो सकता था, क्योंकि हजारों टन वीट जो है इम्पोर्ट किया गया, तो उसमें क्वारंटीन की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो पाती थी, तो वो गेहूँ जो है सीधे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला गया, और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गया, लोगों के गांवों में, घरों में पहुंचा, लोगों ने उसको साफ करके पिसवाया, तो वो सफाई करते समय जो पार्थिनियम का सीड था, बीज था, वो जो है फैल गया, और उससे वो जो है जगह जगह पार्थिनियम हो गया। फिर चूंकि वो एस्टरेसी या कंपोजिटी का मेंबर है, पौधा है, उसमें क्या होता है कि कैप्सूल में, एक ही कैप्सूल में हजारों सैकड़ों सीड बनते हैं। दूसरा ये है कि राउंड द ईयर सीड जो है फ्लावरिंग होती है, तो उसको हटाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक कैप्सूल जो है वो 100 सीड बना रहा है, एक पौधे में सैकड़ों कैप्सूल बन रहे हैं, तो उससे एक ही पौधा हजारों लाखों सीड तैयार कर रहा है, और वो विंड डिस्पर्सल है, हवा चली, वो बीज एक तरह से दूसरी जगह चले गए, और जहाँ पर भी ओपनिंग मिलती है वहीं जो है पार्थिनियम आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी, तीन स्पीशीज आपको जो मेन बताई वो लैंटाना है, इपिटोरियम है, पार्थिनियम है। इपिटोरियम की दो तीन स्पीशीज हमारे देश में हो रही हैं, और पर्टिकुलरली हमारे उत्तराखंड में है। तो ये जो तीन चार स्पीशीज जो मोस्ट डिजास्टरस वीड्स हैं, ये इनके बारे में कैसे हम इनको यूज कर पाएंगे, इनके बारे में आज थोड़ा हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे। अब थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि जो इम्पैक्ट है इनवेजिव स्पीसीज का, ये जो हमारी वीड्स हैं, जिसको हम बेकार की वीड्स कह सकते हैं,
इसके कैसा हमारे सिस्टम पे, इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है? तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब जहाँ पर कि हमारा नेटिव फ्लोरा था, वो नेटिव बायोडायवर्सिटी हमारी इनवेजिव स्पीसीज ने इनक्रोच कर ली, तो वहाँ से उसने हमारी नेटिव स्पीसीज को पुश आउट कर दिया, बाहर कर दिया, जैसे कि हम किसी के घर में घुस के उसे बाहर कर दें। दूसरा है ये हैबिटेट जो है हमारा, वो जो है डिग्रेडेट हो गया और कई स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गई, क्योंकि कोई स्पीशीज जो नेटिव फ्लोरा है वो बहुत सेंसिटिव है, और जब दूसरी इनवेसिव स्पीशीज घुस गई तो उसको हटने को वो मजबूर हो गई, तो या तो वो खत्म भी हो गई वहां से, या वहां से पुश आउट हो गई, तो उस एरिया में तो उसकी पॉपुलेशन कम हो गई या खत्म हो गई, तो वो जो डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट है वो बड़ी भारी समस्या है। तीसरी बात जो आती है वो फ्रूट बियरिंग जो हमारी वाइल्ड बुशेज हैं, श्रब्स हैं, फूड बेस जो हमारा है, और वाइल्ड लाइफ के जो जो समस्याएं हैं वो उससे जो है वो पैदा हो गई, क्योंकि जो हमारे वाइल्ड फ्रूट्स हैं, वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं, वाइल्ड ग्रासेस हैं, वो तो हमारे सिस्टम से कम हो गई या खत्म हो गई। फिर वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है, हम सब जानते हैं कि हमारे जो जंगली जानवर हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, जो घास खाते हैं उनके लिए जो चारागाह थे वो सिकुड़ गए या कम हो गए या लगभग पूरा ही उनका जो है इनक्रोचमेंट हो गया, तो अगर घास कम होगी तो हमारे जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके लिए घास पूरी नहीं होगी, तो वो या तो कम हो जाएंगे या मर जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन अगर कम होती है तो फिर हमारे जो है कार्निवोर जो हैं, जो मांसाहारी हमारे टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, और जो फॉक्स हैं, हाइनाज हैं, और जो हमारे कार्निवोर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन पे इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है, क्योंकि तो जब उनका भोजन हर्बीवोर है, ये एक भोजन श्रृंखला है जिसमें कि एक दूसरे पर आधारित है, अगर एक की पॉपुलेशन कम होती है तो दूसरे की पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाती है, या फिर मैन एनिमल कंफ्लिक्ट होगा, अगर टाइगर को जंगल में शिकार नहीं मिलेगा तो वो गांव में घुस के हमारे गाय बैल या हमारी भैंस या बकरी या घोड़ा जो भी उसको मिलेगा, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए, तो वो फिर हमारे एनिमल्स पे अटैक करेगा, और उससे मैन एनिमल कंफ्लिक्ट जो कि बहुत बड़ा इस समय क्वेश्चन है, कैसे हम इसको कम करें, क्योंकि हर जानवर को और हर प्राणी को, हर पौधे को एक फ्रीडम है जीने का, एक राइट है, और वो जब हम उनके एरियाज में घुस गए हैं, इनक्रोच हमने उनका एरिया कर लिया है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे पास कंजर्वेशन के लिए या उनके जो अपने हैबिटेट हैं उनको सुरक्षित रखना है बड़ा मुश्किल हो गया है, हम वहाँ घुसने लग गए हैं, तो जब उनकी पॉपुलेशन, जब एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कम हुई तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो गई, तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा उसमें कई जो हमारी एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन जो है इंक्रोचमेंट से हो जाती है। फिर तीसरी बात ये है कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं हमारे, क्योंकि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कुछ इकोसिस्टम गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, गुड्स के रूप में परोक्ष रूप में हमको जंगलों से क्या क्या मिलता है वो गुड्स हैं, और सर्विसेज में है कि एक इकोसिस्टम की इसके अलावा सर्विसेज हैं, उसमें कल्चरल सर्विसेज हैं, इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं, जैसे सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात हम करें, या जो हम हवा लेते हैं ऑक्सीजन की बात करें, या पॉल्यूशन कम करने की बात करें, या एस्थेटिक वैल्यूज हमारी जंगल में होती हैं, या और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखें तो और कई तरह की जो फॉरेस्ट हमको सर्विसेज देता है उसमें डिक्लाइन आ जाती है, वो कम हो जाती है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही हम हैबिटेट हमारी डिस्ट्रॉय होती हैं, खत्म होती हैं, तो जो लिंकिंग है, जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
वो बढ़ जाते हैं। फिर जो इकोसिस्टम फंक्शन है हमारा, जिसमें न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आती है, फायर रिजीम्स हैं, हाइड्रोलॉजी है, एनर्जी बजट है, ये सारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे जो है रिक्रिएशनल वैल्यूज पे भी हमारा फर्क पड़ता है। देखिए, हम जब जंगल में जाते हैं तो एक उसकी अनोखी छटा होती है, लेकिन अगर आप कहीं जाएं जंगल में, दिख तो हरा भरा रहा है लेकिन उसमें लैंटाना ही लैंटाना है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। या उसमें और पार्थिनियम पार्थिनियम दिख रहा है, जो कि एलर्जी भी जो करता है। तो ये जो है बड़ी इस तरह की समस्याएं हैं जो इन्वेजन से आती हैं। ये स्लाइड में आपको पार्थिनियम दिखाई दे रहा है, इतनी घनी वीड इसकी हो जाती है कि इसको जो है वो हटाना मुश्किल है। ये देखिए, पूरा लेंटाना आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में, जिसमें कि लेंटाना कैमाडा जो है वो पूरा फैल चुका है। ये क्लोजअप व्यू है, ये इपिटोरियम का है, जो कि हमारे ऊपर 4,000-5,000 फिर से ऊपर आती है ये भी। तो ये जो बायोलॉजिकल इन्वेजन है, ये दिखाता है कि किस तरह से हमारी हैबिटेट्स पे को ये डिस्टर्ब करता है, और कैसे जो है और चीज़ें इसमें पूरा सिस्टम जो है किस तरह से डिस्टर्ब होता है। ये एक लेंटाना जो हमारा पहली स्पीसीज है, जिस जो कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में फैली हुई है, इसके कैसे हम लाइवलीहुड से इसको जोड़ें, इस पे दो तीन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ एनजीओज हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पे लेंटाना पे काम कर रहे हैं, और उसमें एफआरआई भी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी कई चीज़ें निकाली हैं, हैस्को वगैरह ने भी इसका कुछ किया है फर्नीचर मेकिंग में। तो सबसे पहले लेंटाना का जो उपयोग है, अगर इसको फर्नीचर मेकिंग में इसका लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। देखिए, जब तक कि हम किसी भी इन्वेजिव स्पेसीज का उपयोग नहीं निकालेंगे, हम उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। आपको इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारी मैन पावर चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इसका रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है, अगर एक बार आपने उखाड़ भी लिया तो दोबारा फिर बहुत जल्दी से आ जाएगा। इसलिए इसको एज ए रिसोर्स कुछ प्रोडक्ट बनाने में, कुछ आइटम बनाने में अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो ये आजीविका का साधन भी बन जाएगा, और दूसरा इसका इरोजन भी संभव हो पाएगा। तो उस क्षेत्र में जो इन संस्थानों ने काम किए हैं, उसमें ये जो फर्नीचर मेकिंग वाला है, इसका लेंटाना का चूँकि डंडियाँ ला के सुखा के उसकी छाल निकाल के उसको जो है फर्नीचर मेकिंग में काम में ला सकते हैं। कार्डबोर्ड में इसका बहुत उपयोग हुआ है, एफआरआई ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें कार्डबोर्ड इसका बन सकता है। मैं अभी आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा। हैंडमेड पेपर भी इसका एफआरआई ने बनाया है। मॉस्किटो रिपेलेंट जो है, चूँकि इसमें एसेंशियल ऑयल होता है, तो अगर इसको ग्राइंड करके और ग्लू के साथ इसको मॉस्किटो रिपेलेंट कॉयल्स इसके बनाए जाएँ, तो वो भी एक आजीविका का साधन बहुत अच्छा हो सकता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसको जो है वो लेंटाना काट के जला के और इसको जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कई पायलट प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है, और कंपोस्ट भी इसकी बनती है, वो हालांकि लीफ लिटर से बनती है, लेकिन चूँकि एसेंशियल ऑयल है इसलिए कंपोस्ट बहुत अच्छा इसका नहीं बनता, पर बनाया जा सकता है। तो ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कार्डबोर्ड में इसका सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है, और एफआरआई के पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है। ये जो है एफआरआई से जो है टेक्नोलॉजी ली जा सकती है। इसमें थोड़ा कुछ बहुत ज़्यादा
जो है वो इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, आपको लेंटाना काट के लाना है, उसकी डंडियों को जो है वो क्रश करना है। ये हाइड्रोलिक एक मशीन है जिसमें दो प्रेशर मेथड से इसको क्रश किया जाता है। उसके बाद जो डंडियां हैं उनको रेजिन के साथ ट्रेज में जो है मिक्स किया जाता है, फिर एयर ड्राइंग करके उसको मशीन से ये प्रेस किया जाता है। तो प्रेस करके इसके जो है ये इस तरह से आपको जैसे स्लाइड में दिख रहा है वो इसके ऊपर जो है कार्डबोर्ड बनाया जा सकता है। इसके देखिए आप स्लाइड में देख रहे हैं कैसे स्टूल जो है लेंटाना की ऊपर के बने हुए हैं। तो ये फर्नीचर लेंटाना का है, ये हैंडमेड पेपर की आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें कैरी बैग्स वगैरह जो है हैंडमेड पेपर इससे बनाया जा सकता है। बहुत फाइन पेपर तो नहीं बनेगा, पर जो कैरी करने के आजकल आपने देखा होगा दुकानों में बहुत सारे जो है कैरी बैग्स वो सिंथेटिक ना होके हैंडमेड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के प्रेफर लोग कर रहे हैं। और इसमें लेंटाना से गांव-गांव में छोटी छोटी यूनिट्स लगा करके इस लेंटाना का हैंडमेड पेपर बना के लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसकी भी टेक्नोलॉजी FRI के पास है, और मशीनरी इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा वो बड़े नहीं है। इसमें हैवी ड्यूटी रोलर एक चाहिए, वन टाइम ये यूनिट पे खर्चा आएगा, ड्रायर चाहिए, मेटालिक मोल्डेड एंड हैवी प्लेट्स फॉर प्रेसिंग के लिए इसमें होता है, हाइड्रोलिक प्रेस एक चाहिए आपको, और 100 एक डबल डायमेंशन चाहिए, थिकनेस प्लानर चाहिए, हैवी ड्यूटी सर्कुलर 100 एक छोटी सी चाहिए, बेल्ट स्कैनर चाहिए, सेंडर चाहिए सॉरी, और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, और रेजिन कैटल एक चाहिए। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, दिखाए गए हैं जो आपको चाहिए। इस तरह से भी आप छोटे मोटे डिस्प्ले मटेरियल लेंटाना का बनाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब जो दूसरी स्पीसीज हमारी है वो इपिटोरियम है, जो कि बहुत बड़ी हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसने पूरी ग्राउंड स्टोरी जो है कवर कर ली है। इससे रीजनरेशन बहुत बैडली जो है हैम्पर हुआ है। इसमें जो है FRI ने नेचुरल डाई की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कैसे हम प्राकृतिक रूप से रंग बनाएं, क्योंकि जो सिंथेटिक डाइज हैं जो केमिकल डाइज हैं उनका इस्तेमाल एक तो खाने की चीज़ों में नहीं किया जाता है, दूसरा जो हमारा सिल्क वगैरह जो बहुत महंगी साड़ियां हैं उनको रंगने के लिए जो है वो सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल नहीं होता है या कम होता है, तो नेचुरल डाई उसमें प्रिफर की जाती है ताकि कोई उसके बैड इफेक्ट हेल्थ पे ना आए। तो उसमें जो है ये जो सिंथेटिक नेचुरल डाई हम इपिटोरियम से बना रहे हैं, इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है कि प्लांट्स को लाके कलेक्ट करते हैं विद, ये बहुत बड़ा नहीं होता है, 1.5-2 फीट का, 2-2.5 फीट ज़्यादा ज़्यादा 3 फीट ऊंचा पौधा होता है, और इसको काट के गांव वाले ला सकते हैं, ला के सुखा के और इसको जो है ग्राइंड करके इसकी डस्ट बना के उसको जो है फिर जो है उबाला जाता है, उबाल के ठंडा करके छान के फिर इसमें थोड़ा 1-2 केमिस्ट बहुत हल्की मात्रा में जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन मिलाया जाता है, और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो रॉ डाई जो है उस बन जाती है, उसको ड्राई करके और फिर जो है वो डाई आपकी तैयार हो जाती है जो मार्केट में सीधे बिक सकती है। तो गांव वाले कम से कम छोटी छोटी यूनिट लगा के ऊन को डाई करने के लिए, कपड़ों को डाई करने के लिए, और डाई के इसके जो है बहुत सारे यूजेज, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइन्स के कलरिंग के लिए, और जो सिंथेटिक जो आपका खाने की चीज़ें हैं उनको डाई करने के लिए, मिठाइयाँ डाई करने के लिए, और रेशम जो सिल्क है
उसको डाई करने के लिए ये नेचुरल डाई पेपर की जाती है, तो मार्केट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और इसमें इसको इपिटोरियम को हम नेचुरल डाई बना के जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं। तीसरी जो स्पीसीज हमारी आती है वो पार्थिनियम है। ये सबसे बड़ा सरदर्द है क्योंकि किसान जो है बहुत परेशान है। जब भी वो खेत में कुछ लगाते हैं तो वो फसल तो कम, पार्थिनियम ज्यादा हो जाता है। तो इस पार्थिनियम का क्या किया जाए, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट लोगों ने करे हैं और उसमें इसकी कंपोस्ट बनाने के लिए ज्यादातर लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो इसको उखाड़ के लाके एक जगह गड्ढे में जमा करके इसमें गोबर की सलरी जो है डाल दी जाती है, फिर दूसरा स्टैक जो है लेयर इसकी पार्थिनियम की डाली जाती है, फिर गड्ढे को ढक दिया जाता है और 4-6 महीने बाद ये इसकी खाद बनाई जा सकती है। बाकी अभी पार्थिनियम का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया है क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है प्लेन एरिया में हमारी वीड है और इसका जो है अभी और एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं तो कैसे इसका उपयोग किया जाएगा। अभी तो फिलहाल जो है इसका उपयोग कंपोस्टिंग में किया गया है। तो ये जो कैसे रूरल एरियाज में हम इन जो हमारी वीड्स हैं इनका उपयोग करेंगे, इस पे हमने मेन आज 3 प्रजातियों के बारे में बताया, लैंटाना है, इपिटोरियम है और पार्थिनियम है, जो कि सब आम बच्चे भी गांव गांव में, घर घर में, खेत खेत में देखते होंगे। तो इनको कैसे हम जनरेट करें इससे पैसा, या कैसे इसको आजीविका का साधन हम बना सकते हैं, इस विषय में हमने आज चर्चा की है और मैं समझता हूँ कि बच्चों को कुछ तो इससे समझ में आया होगा। और आपके कुछ प्रश्न अगर होंगे तो आप हमें लिख के भेजिए, हम आपका जवाब देंगे। थैंक यू। सर, हमारे उत्तराखंड में जो मुख्य इन्वेसिव स्पीसीज पाई जाती हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा जरा हमें बताएंगे। देखिए अनुराधा, मुख्यतः 3 स्पीसीज हैं जो कि हमारे उत्तराखंड में हैं और वो ज़्यादा हमको परेशान कर रही हैं। उसमें लेंटाना कमारा है जो कि नीचे लगभग 3-4 हज़ार फीट तक आता है और हमारे वनों में, खेतों में बहुत फैला हुआ है। दूसरा है इपिटोरियम। इपिटोरियम की 2-3 स्पीसीज हमारे यहाँ हैं, जैसे इपिटोरियम एडिनोफोरम है, इपिटोरियम राइपेरियम है एंड इपिटोरियम ऑडोरेटम है। ये 3 स्पीसीज जो हैं जनरली टेम्परेट फॉरेस्ट में है और ये हमारी जो बांझ का जंगल है उसको इसने कवर किया हुआ है। खेतों में भी ये घुस चुका है ऊपर, और ये जो है उस एरिया में काफ़ी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट जो है हमारे इको सिस्टम पे। और तीसरी पार्थिनियम है, हालांकि पार्थिनियम अभी बहुत ऊपर तो नहीं गया है पर देखा गया है कि इसका भी काफ़ी वाइड अडेप्टेशन है और ये काफ़ी हमारे हाई एलिवेशन तक भी जा रहा है। ये तीसरी पार्थिनियम जो है वो हमारी इन्वेजिव स्पीसीज है। तो 3 मुख्य हैं। मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान एवं चर्चा से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। मैं डॉक्टर नौटियाल का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर हमें बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया है। साथ ही पुनः हम एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।